अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम आए दुलिया शहर में मज़ार शरीफ पर, जिनका नाम है सुल्तान अकरम साहब। चलो आइए इनकी ज़्यारत करते बाद में। मुझसे फरिश्तों ने जब सवाल किया, बता तू अपने नबी को इमाम को बतला। लाद में मुर्दा यूं फौरन संभल के बैठ गया, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेके कहा, मान कुन अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम लोगों ने ज़ियारत कर लिया है सुल्तान अकरम शाह बाबा की दरगाह पर। तो नाज़रीन हमें मिल चुके हैं सुल्तान अकरम शाह बाबा के खादिम साहब, तो आइए हम अब उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हीं से सुनते हैं उनकी ज़बानी इंटरव्यू में। घोड़ा वगैरह दिखता था बाबा का आना जाना, जो ये खेत का मालिक है रामचंद्र अच्छा। जिसकी ये खेती पूरा एरिया है अच्छा। वो सब लोगों को मालूम था कि या ये स्थान है या कुछ करामतें भी होती थी अच्छा। बहरहाल जब से मैं खिदमत में हूँ तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी करामतें देखी अच्छा। जो मैं कह ही नहीं सकता, मेरे आगे अच्छा। देखा है नहीं कहते थे, मैंने किताबों में वाक्यों में सुना था, पर मैंने आँख से भी देखे कुछ मामला सरकार के, और कई बार तो मेरे जान के भी ऐसी जो कि नहीं, पर सरकार के रहमकरण से मुझे कुछ नहीं हुआ। एक पीठ के ऊपर काला कोबरा बैठा, मुझे आने से नहीं, फिर भी उसने मुझे डसा नहीं। मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप पर नहीं खोली थी। आपका नाम? मेरा नाम भगवान भाई है। भगवान मैं बचपन से ही बुजुर्गों की खिदमत में रहा, वही उन्होंने मुझे पाला पोसा। मैं सिलसिला रिफाई से मुरीद भी हूँ, बड़ी गादी सूरत सलीमुल्लाह। बड़ी गादी हाँ, सलीम बाबा मेरे तो खास दोस्तों में से। अभी पर्दा हुआ, अभी दो साल हो गए, 25 सफर में फातिहा रहेगा। अभी दो साल हुए पर्दा हुआ, मैं खास यही मैं बैठ हुआ था रात को 2 बजे संडल में अच्छा। हाँ, सरकार बिलासपुर जा रहे थे अच्छा। सरकारों के मुरीदों में से गुलाम उनका अच्छा। वो सारे दादा जिंदा से मदार हो जो दाता सरकार की हुआ, उसके तो फिर मैं बुजुर्गों की खिदमत करता हूँ। मेरी परवरिश मेरे सब कुछ ये बुजुर्ग आने देने, मुझे दुनिया जा का कोई सहारा नहीं। मैं जो भी पल रहा खेल रहा, मेरा परिवार सीधे बुजुर्गों को करता। हम कोई बाबागिरी नहीं करते, यहाँ से लोग खुद आते खुद फैल उठा के चले जाते, और यहाँ कोई बाबागिरी वगैरह नहीं। हमारा जो है ना कि हम और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सबको मालूम देना बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, बुजुर्गों की तारीफ बोल रहे हैं, उनके एहसान है अपने ऊपर। हम जो रह रहे ना, ये इनके बदौलत रह रहे। आज तुम फ्रांस में जाओ, तुम टोपी पहन के नहीं घूम सकते। ये गरीब नवाज का एहसान है, तुम दाढ़ी टोपी पे फिर रहे हिंदुस्तान में। हकीकत बात, उन्होंने घर घर दिन फायदा इंसानियत का दर्श दिया है। गरीब नवाज बाबा फरीसी में ना दे, कहीं भी घूम सकते। तुम लंदन जाओ, अमेरिका वहाँ पाबंदी है, ये लिबास नहीं पहनो, वो मत पहनो। वहाँ पे हुकूमत के पने बुजुर्गों का देश है, या सबको आज़ादी, हर आदमी अपने धर्म के मुताबिक रह सकता है। बहुत ये अपने गरीब नवाज की मेहनत है, ये सब महबूब इलाही की मेहनत है, खुलदाबाद के बुजुर्गों की मेहनत है। इन्होंने सबको जोड़ा, इंसानियत का दर्श दिया।
तेरा दिन तेज पे मुबारक, मेरा दिन पे मैं कायम हूँ। लखों दिन को वली वली दिन काफिरों में साफ साफ अल्लाह, तेरा दिन तुझे मुबारक, अपना अपना दिन का कायम रहे। जबरदस्त के अल्लाह को पसंद नहीं दिन के रास्ते, साफ साफ बोल दिया अल्लाह ने, सही है ना। मुझे दिन के काम में जबरदस्ती पसंद नहीं, डायरेक्ट का मालिक सिर्फ अल्लाह। यहाँ की खिदमत कौन करता है? मैं ही हर जुमे रात को लंगर पकता, तकसीम होता, किसी से कुछ भी जो भी अपनी मर्जी के मुताबिक लाते, सालाना उर्स होता, छठी की फातिहा होती, ग्यारहवीं की फातिहा होती हर महीने में, मुहर्रम की फातिहा होती, अभी मुहर्रम का चेलम भी आएगा उसकी भी फातिहा होगी। जो भी अरकान है दीनदारी के वो सब सरकार के यहाँ पे होते, या चंदा किसी बात का होता नहीं, या सरकार के खिदमत गुजार खड़े और ब्लाक के बाल के सब कारोबार चलता था। अभी हर जुमेरात को होती है, हालांकि बड़ा लंगर थोड़ा कम कर दिया है बारिश की वजह से, अभी बारिश खत्म हो गई, दोनों रहेंगे खारा मीठा चलते रहे। कभी सरकार ने किसके पास जबरदस्ती है, ये सरकार का कारोबार है, हम नौकर लोग कर रहे हैं। नहीं आओ, ग्यारहवीं में बहुत बड़ा उर्स भरता सरकार का, ग्यारहवीं की 19 तारीख, अभी 25 नवम्बर का रहेंगे, मालेगांव से काफ़ी लोग आते हैं, हम जाएंगे सूरत, हमारे पीर के सस्ते सरकार हो दादा, अलहमदिल्ला एक क्विंटल का प्रोसेस शरीफ बनता देसी घूम, क्या कभी डालता घी नहीं डालने देंगे दादा, ये भी पक रहे ना देसी घी में पक रहे, जला डालते सरकार भरे रहता देसी घी असली, ये में पकाना छोटी पकाओ अच्छा पकाओ खिलाओ फाटिया लगी सही, असली ये क्विंटल आता और उसमें सरकार गिरवा दी, ये तो का मसला है, बाबा ने कभी खराब लंगर नहीं भर, डायरेक्ट रखने को लगा देते अच्छा बना के खिलाओ। मालेगांव में कहाँ रहना आपका? अंचल कॉलोनी। इन सरकार के नाम पे हो जाए क्योंकि मार्गा का काम इसी वजह से रुका है। अच्छा, जब तक नाम के कागज नहीं होगा सरकार के, बहुत सारे काम है, वो नितिन चौधरी की जगह है, आय राव का कोई संबंध नहीं। नहीं मैं पूछा, तुमने से पहले नाम वो जिम्मे रहे अभी। अच्छा, वो तो आय राव जो है ना जिम्मेदारों में हो खिदमत में। अच्छा, उसका ये चचेरा भाई है ना, उनके हिस्से होगा, ये सब उन्हीं का था, ये उनके परिवार हो गए, तो अभी नितिन चौधरी के हिस्से में जमीन है। अच्छा, वो अभी चल रही बातचीत, अल्लाह करम हो जाएंगे, देर सफर देखा भी नाम पे होगा, अभी बड़े बड़े बुजुर्ग आ के गए, फारूक भी आया, सरफे छुपा है, बाबा सलीमुल्लाह रिफाई आए, बहुत बड़ा मामला, आप उर्स में आएंगे ना आप कुछ जलवा देख लेंगे, मक्काबा देख लेंगे, कैसा तालुका क्या सिजरा कैसा है सरकार का, बस कभी सरकार ने किसी बात की मौका ही नहीं, ऐसा दो दिन उर्स ले जाता, पर जब करम होता था ऐसा फायदा होता, आप कुछ देख लेना, आप लोगों को दावत अभी से देता मैं, 11, 19, 25 नवंबर को आपको यहाँ आना है, सरकार की जिम्मेदारी सब मेहमान नवाजी वही करते हैं, पढ़ने पढ़ाने वालों को सरकार रुकने देते हैं, जाओ गारोड़ी लोगों को नहीं रुकने देते, बाबा जा भाई तू जा, माहौल नहीं खराब। लॉकडाउन में एक दिन भी लोग बंद नहीं हुआ बाबा का, मैं मोगलाई से आता था, ना पुलिस ने मुझे रंडा मारा, ना कुछ, पूरा शहर सुना रहता था, ना कोई आरकान बाबा के रहे, जो चल रहा वो चलने दिया सर, ये करम है सरकार। लॉकडाउन के अंदर कई मजारों पे फूल नहीं था दादा, हाँ सही, सरकार रोज सस्ते, सुबरात तीनों रातों में कोई मजारों पे नहीं थी, यहाँ से चादर भी डाता सरकार, आता सरकार की दरदला, क्या करेंगे लोग लॉकडाउन में परेशान थे, जाने नहीं दे रहे, बाबा वैसे सजे ले लोग, उनका मामला करम है, करम है चारों तरफ के दौर, बाबा ज़्यादा तो सिर्फ एक घंटा गर्मी होंगे, अभी मगरिब की बात पूरा भर गया, एक घंटा में आता देंगे, चलो आप खुद देख लेना, मगरिब के टाइम आते थे ना आपको खड़े रहने को जगह नहीं रहती, सिर्फ एक घंटा लो मान जी हटाओ गर्मी, शोर शराबा पसंद नहीं, आप जब भी आना ना मगरिब के टाइम आना, या फिर लो मान जी कभी भविष्य में आना होगा अभी तो, और जैसे उर्स में आप के कई भी लोग को भी लेकर अपने मालेगांव के साधा चिश्ती सरकार